नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन स्वागत करता हूं आप सभी का NowBharatTimes.com में। दोस्तों, दीपावली की रात को लक्ष्मी पूजा के दौरान जल में पाई जाने वाली कुछ चीजों को रखकर आप माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ज्योतिष विज्ञान में जल का संबंध चंद्रमा से माना गया है और हिंदू मान्यताओं के अनुसार चंद्रमा की उत्पत्ति समुद्र मंथन से ही हुई थी। वहीं माता लक्ष्मी का प्राकट्य भी समुद्र मंथन से ही हुआ। इसलिए दीपावली की रात को माता लक्ष्मी की पूजा में जल में पाई जाने वाली 6 चीजों को शामिल करके आप माता का आशीर्वाद पा सकते हैं और धन से जुड़ी परेशानियों को दूर करने में सफल हो सकते हैं। दोस्तों, गोमती नदी में शिव जैसी एक सफेद चीज मिलती है जिस पर चक्र बना होता है। इसे ही गोमती चक्र कहा जाता है। गोमती चक्र का धार्मिक और तांत्रिक जगत में बड़ा महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस पर अंकित चक्र भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र होता है जो नकारात्मक शक्तियों का नाश करता है। देवी लक्ष्मी की पूजा करते समय 11 गोमती चक्र देवी लक्ष्मी के साथ रखें। पूजन के बाद इसे लाल वस्त्र में लपेट कर तिजोरी में रख दें। इससे कमाई भी बढ़ती है और बरकत भी होती है। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शंख दुख दरिद्रता को दूर करता है। पूजा में शंख बजाने से नकारात्मकता तो दूर होती ही है, साथ ही पूजा भी सफल होती है। शंख उन रत्नों में से एक है जो समुद्र मंथन के बाद निकले थे। माता लक्ष्मी को शंख अति प्रिय है। माता लक्ष्मी अपने हाथों में दक्षिणावर्ती शंख धारण करती हैं। दीपावली के दिन दक्षिणावर्ती शंख को देवी लक्ष्मी के साथ पूजना चाहिए और इसे पूजा स्थल पर रखकर नियमित भी आप इसकी पूजा कर सकते हैं। इससे आपको जीवन में धन और समृद्धि प्राप्त होती है। लेकिन दक्षिणावर्ती शंख न मिले तो दूसरे शंख को भी पूजा में रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे रात में पूजा के समय शंख न बजाएं, नहीं तो लाभ की बजाय हानि हो सकती है। माता लक्ष्मी को जल सिंघाड़ा भी अति प्रिय है। जल सिंघाड़ा देवी लक्ष्मी को प्रसाद के रूप में अर्पित करना चाहिए। सिंघाड़े के साथ ही देवी लक्ष्मी को मखाना भी भेंट करना चाहिए जो जल से ही प्राप्त होता है। कहते हैं कि माता यह प्रसाद बहुत प्रसन्नता से स्वीकार करती हैं। आयुर्वेद में इन दोनों चीजों को स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम बताया गया है। लक्ष्मी माता कमल के पुष्प पर ही विराजमान होती हैं। कमल के फूल को ज्ञान और आर्थिक संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए दीपावली की रात को माता लक्ष्मी की पूजा में कमल का फूल भी अवश्य अर्पित करना चाहिए। माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करने से आर्थिक पक्ष तो मजबूत होता ही है, साथ ही ये आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी शुभ माना जाता है। दोस्तों, दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजा के दौरान यदि आप मोती पूजा स्थल पर रखें और अगले दिन इसे धारण कर लें तो इससे आपको काफी फायदा मिलता है। मोती धारण करने से न केवल आपको धन धान्य की प्राप्ति होती है बल्कि मानसिक रूप से भी आप सशक्त होते हैं। दोस्तों, अगर आपको समुद्र का जल मिल जाए तो इसे भी देवी लक्ष्मी की पूजा में जरूर शामिल करें, क्योंकि देवी लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से ही हुई थी। इस नाते समुद्र को देवी लक्ष्मी का पिता भी माना जाता है। पूजा के बाद इस जल को घर में छिड़क देना चाहिए, इससे घर में सकारात्मकता बढ़ती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें NowBharatTimes.com। नमस्कार।